तो अब दोस्तों प्रश्नावली 16 का विविध चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेमी है। तो सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना है वर्ग का। किसका डायग्राम बनाना है? वर्ग का। सबसे पहले क्वेश्चन में जो कहा जाए उसके अनुसार चलो। ये हमें चित्र दिया गया है इस पहले वाले क्वेश्चन में, और इस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे दिया गया है 486 वर्ग सेमी। तो घन की भुजा ज्ञात करो, हमें याद करनी है घन की भुजा, यानी कि इस घन की सारी भुजाएं याद करनी है। घन में क्या होता है कि सभी भुजाओं का मान एक समान होता है, तो हमें क्या याद करनी है? भुजा ज्ञात करनी है। अब दोस्तों हमें करना क्या है कि क्वेश्चन में जो हमें दिया गया उसके अनुसार हमें चलना है। हमें क्या दिया गया है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया आपको? 486 वर्ग सेमी। ठीक है, अब हमें याद करनी है भुजा। अब बताओ घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 6 भुजा स्क्वायर। क्या होता है? 6 भुजा स्क्वायर, यही होता है। और ये दिया गया हमें पूरा 486। ठीक है, देखो दोस्तों घन के संपूर्ण पृष्ठीय दिया गया है हमें, इस पूरे घन का 486 वर्ग सेमी तो ये हमें दिया गया है, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। अब हमें निकालनी है भुजा, तो भुजा स्क्वायर को तो हम क्या करते हैं, इधर ही रहने देते हैं। बराबर है हमारा 486, ये जो 6 है इस तरफ किसमें है आपका? गुणा में है, तो उस तरफ जाकर किसमें चेंज हो जाएगा? भाग में। अब आपको क्या करना है, भुजा स्क्वायर बराबर 6 का भाग दो, 6 × 36 = 7 × 8 = 48 और 6 × 1 = 6। 6 का भाग जब आप 446 में देंगे तो क्या आएगा आपका? 81 आएगा। अब हमें निकालनी है भुजा, तो यहां पर देखना भुजा बराबर ये जो स्क्वायर है वो दूसरी तरफ जाकर किसमें चेंज हो जाता है? अंडरूट में चेंज हो जाता है। और दोस्तों बताओ 81 का अंडरूट क्या होता है? 81 का अंडरूट आप ऐसे निकाल सकते हो, किसका भाग देना है हमें? सबसे पहले विषम संख्या है तो 3 का देते हैं, 3 × 2 = 6। बचे क्या? बचा है आपका यहां पर 2 = 21, 7 × 3 = 21, फिर 27 में किसका भाग जाएगा? 3 का, 9 × 3 = 27, फिर किसका भाग जाएगा? 3, तो 3 × 3 = 9, यानी कि इसका अंडरूट क्या निकलेगा आपका? 2 के आप यहां से जोड़े बना लो, तो इसका अंडरूट निकलेगा 3 × 3, यानी कि इसकी भुजा निकल के तैयार हो जाएगी हमारे पास 9 सेंटीमीटर। भुजा क्या आई हमारी? 9 सेंटीमीटर। और यही हमें क्वेश्चन में निकालना था। आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 81 का अंडरूट क्या होता है? 9, 9 × 81, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसकी भुजा निकल के आ जाएगी 9। तो अब हम चल लेते हैं विविध प्रश्नावली के दूसरे क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 9 मीटर, 2 मीटर और 1 मीटर है। ये लंबाई 9 मीटर दी गई है, चौड़ाई 2 मीटर और ऊंचाई 1 मीटर दी गई है। ठीक है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लंबाई को किससे लिखते हैं? L से। L कितना दिया गया है हमें? 9 मीटर। ठीक है, उसके बाद चौड़ाई को किससे लिखते हैं? B से। ब्रेथ B से लिखते हैं, वो दिया गया हमें 2 मीटर। उसके बाद ऊंचाई, ऊंचाई को किससे लिखते हैं? H से, और वो दी गई है 1 मीटर। हमें याद करना है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है दोस्तों? पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका सूत्र होता है यहां पर देखना 2 × LB + BH + HL। L को क्या कहते हैं? लंबाई, B को चौड़ाई, B को चौड़ाई, H को ऊंचाई, H को शॉर्ट। तरीके से मैंने इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में भी आप लिख सकते हो। 2 का तो 2, लंबाई कितना दिया गया है? 9, चौड़ाई कितना दिया गया है? 2, उसके बाद चौड़ाई, चौड़ाई दिया गया है 2, उसके बाद ऊंचाई, ऊंचाई दिया गया है आपका 1 प्लस, उसके बाद ऊंचाई 1, लंबाई 9। यहां पर देखना 2 का तो 2, 9 को 2 से गुणा करोगे तो 18 प्लस 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2 और 1 को 9 से गुणा करोगे तो 9 बराबर 2। अंदर क्या होगा आपका? 18 और 2 20, 20 और 2
सॉरी 20 और 9 29, 29 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 9 दूनी 18 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 5 यानी कि 58, और पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और वो लिखा जाएगा आपका वर्ग, और दिया गया है मीटर, तो वर्ग मीटर। ये कुछ दो आपके अच्छे क्वेश्चन थे विविध प्रश्नावली के, अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम अगले क्वेश्चन को मैं आपको कल लाके आपका दे दूंगा, तो मिलेंगे हम अगले कॉन्सेप्ट में, तब तक के लिए बाय, एंड देखते रहे मेरे चैनल अनुभवित रवि की मैथ्स।